तो सिनेमेटिक लुक के लिए आपको लगाना है एंडी फिल्टर। जी हाँ दोस्तों, एंडी फिल्टर, एक ही एंडी फिल्टर आपके सारे लेंस के लिए, जो है HNY रेवोरिक वेरिएबल एंडी फिल्टर। दोस्तों, आवाज की दुनिया के दोस्तों, मेरा नाम है गौतम वरिया और आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल गौतम वरिया में। दोस्तों, मैं सिनेमेटोग्राफी करता हूं और अभी जो दौर चला है वो DSLR वीडियो यानी कि सिनेमेटोग्राफी का दौर चला है, और इसी के चलते हुए काफी सारे मेरे वर्कशॉप्स और मेरे YouTube और मेरे Instagram पे कमेंट्स आते हैं कि सर हम मोर सिनेमेटिक बनाने के लिए और क्या करें। तो मोर सिनेमेटिक बनाने के लिए सबसे पहले तो आप लोगों ने बहुत सारे लेंसेज ले लिए होंगे, किसी ने 85 लिया होगा, किसी ने 35 लिया होगा, या किसी ने रेगुलर लेंस, या कोई 24-70 पे काम कर रहा होगा। अब मेरे पास 2-3 लेंस है, जैसे कि ये मेरा 1655 है, ये मेरा एक ब्लॉक लेंस है, ये मेरा एक दूसरा ब्लॉक लेंस है, और तीनों का जो डायमीटर है, जो लेंस कैप का साइज है, वो डिफरेंट डिफरेंट है। किसी का 62 है तो किसी का 57 है तो किसी का 77 है तो किसी का 72 है और किसी का 82 है, और ये सब के लिए एंडी फिल्टर लेना कंपलसरी हो जाता है, क्योंकि मैं कर रहा हूं बेहतरीन सिनेमेटोग्राफी अपने वेडिंग में। और अब तो दौर चला है लॉग में शूट करने का, तो लॉग में जब शूट करते हैं ISO हमारा हाई हो जाता है, शटर स्पीड हम मेंटेन नहीं कर पाते और हमारी पिक्चर कहीं ना कहीं ओवर एक्सपोज या बर्न आउट हो जाती है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम एंडी फिल्टर खरीदते हैं। एंडी फिल्टर खरीदने के बाद काफी सारे लोगों को मैंने ही सलाह दी थी कि भाई साहब आप ऐसी स्टेप अप रिंग ले लीजिए। अब स्टेप अप रिंग क्या होता है कि कहीं ना कहीं ये खुलती नहीं है और फंस जाती है, फिर हमें इसको फेंकना पड़ता है और हर सीजन एक नया स्टेप अप रिंग खरीदना पड़ता है। तो ये सारी चीजों से छुटकारा मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, एक एंडी फिल्टर आपके सारे लेंस के लिए, जी हाँ, एक ही एंडी फिल्टर आपके सारे लेंस के लिए, जो है HNY रेवोरिक वेरिएबल एंडी फिल्टर। इसमें विद पोलराइड भी आता है और विदाउट पोलराइड भी आता है। आज से थोड़े टाइम पहले मुझे भी नहीं पता था कि ऐसा कोई एंडी फिल्टर आता है, जब मैंने ब्रॉडकास्ट एक्सपो में स्पेशली इनके स्टॉल पे जाके देखा और उसका एक वीडियो भी मैंने बनाया, तो उन्होंने मेरे लिए एक एंडी फिल्टर भेजा और मैं इसीलिए आपके लिए वीडियो बना रहा हूं कि ये जो एंडी फिल्टर है वो आपको नजदीकी फोटो स्टोर में कहीं भी मिल जाएगा। नहीं मिलता है तो हमें कमेंट करिए, अगर आप इंस्टाग्राम पे है तो भी हमें पर्सनल DM करिए, अगर नहीं है तो हमारे इंस्टाग्राम पर जाकर जो यहाँ पे ID है फॉलो कर लीजिए और हमें पर्सनल मैसेज करिए, ताकि हम आपको ऐसी काफी सारी हेल्प कर पाए। तो ये जो एंडी फिल्टर है वो एंडी फिल्टर कैसा है, पहले सबसे पहले तो मैं इसका अनबॉक्सिंग वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि मैंने इसके जैसा पैकिंग नहीं देखा, ऑलरेडी मैंने खोल चुका हूं, फिर से मैंने पैक कर दिया और फिर आपके सामने दिखा रहा हूं, क्योंकि एक एंटी फिल्टर का ऐसा पैकिंग मैंने भी पहली बार देखा है। तो ये जैसे ही मैं खोलता हूं तो इसके अंदर से एक बुक निकलती है, क्योंकि आपको कैसे लगाना है उसका एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल यहाँ पे दिया हुआ है, क्योंकि एंडी फिल्टर को यूज हमें करना है। इसको आराम से पढ़िएगा और इसकी वेबसाइट पे जाके एक बार आप चेक जरूर करिएगा। और अब ये आप देखते हो कितना बेहतरीन पाउच दिया हुआ है। जी हाँ, ये एक बेहतरीन पाउच है, मुझे ये बहुत ही अच्छा लगा, यानी कि मैंने पहली बार ऐसा कोई पाउच देखा है, जो एक पैकमैन गेम आता था ना, ऐसा है ये। देन आई लाइक, और अब मैं इसको ओपन करूंगा तो इसके अंदर भी एक पॉलीथीन है, लॉक वाली पॉलीथीन दिया है, इसके अंदर एक वो चीनी की पुड़िया भी थी जो मैंने फेंक दी है। हाँ, ये देखिए बटर पेपर के अंदर इसको पैक किया हुआ है, और ये आप देख रहे हो डार्क टू लाइट, लाइट टू डार्क। हाँ, तो ये एंडी फिल्टर को अगर मुझे लगाना है, मुझे सबसे पहले इस जो ये जो टीथ वाली रिंग है उसको ऐसे घुमाना है, तो आप देख रहे हो कि इसका डायमीटर अपने आप छोटा हो गया, ये देखिए, और जैसे ही मैं इसको छोड़ दूंगा ये अपने आप बड़ा हो जाएगा। फिर से एक बार आपको बता रहा हूं कि मैं इसको घुमाकर छोटा कर दूंगा, और जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगा तो इसका डायमीटर जैसे अपना एफ स्टॉप का ब्लेड होता है अंदर से बड़ा और छोटा होता है, सेम उसी टेक्निक को ध्यान में या उसी टेक्निक को मद्देनजर रखते हुए ये बनाया गया है। जैसे कि मेरा ये लेंस है उसमें 67 mm है और ये जो लेंस है उसमें 77 mm है। ये दोनों लेंस में अलग अलग डायमीटर है, तो मैं दोनों के लिए अलग अलग एंडी फिल्टर न खरीदते हुए एक ही एंडी फिल्टर लगा सकता हूं। जैसे कि मैं सबसे पहले इस एंडी फिल्टर को
इस लेंस में लगाऊंगा तो मुझे कुछ नहीं करना है, ये लेंस मैंने ले लिया, अगर आपको कैमरे पे लगा है तो भी आप लगा के भी, ट्राइपॉड पे लगा है तो भी लगा के भी, और ये मैंने लगा दिया। और आप देख सकते हो कि ये आप हल्का सा कस भी सकते हो, यहां से कसने के बाद आप देख लो पूरी सेफ्टी के साथ ये मैंने एनडी फिल्टर को यहां से पकड़ा हुआ है और लेंस को एकदम स्ट्रांगली, और एनडी फिल्टर भी आपका कहीं नहीं गिरेगा और आप इसको यहां से ऑपरेट कर सकते हो। इस जगह से आपका जो भी एनडी फिल्टर का कंट्रोल, लाइट का कंट्रोल जो होता है वो शटर स्पीड से नहीं करना है। एज पर सिनेमेटोग्राफी शटर स्पीड का जो रूल्स होता है फ्रेम रेट के डबल होना चाहिए, और अगर आपके पास फ्रेम रेट के डबल नहीं है तो आपको 100 की शटर स्पीड में काम करना चाहिए। तो आप 100 की शटर स्पीड को जब लॉक करके रखते हो, धूप में जाते हो, हार्ड लाइट में जाते हो, तब आपका पिक्चर बर्न आउट हो जाता है, और जब बर्न आउट होता है तो आप शटर स्पीड बढ़ा के काम करते हो। शटर स्पीड बढ़ाने से आपका महंगा कैमरा होने के बावजूद भी, महंगा लेंस होने के बावजूद भी आपको सिनेमेटिक लुक नहीं देता है। तो सिनेमेटिक लुक के लिए आपको लगाना है एनडी फिल्टर। जी हाँ दोस्तों, एनडी फिल्टर। तो ये एनडी फिल्टर लगाने से आपका फुटेज बन जाएगा मोर सिनेमेटिक। जी हाँ दोस्तों, मोर सिनेमेटिक। तो ये एनडी फिल्टर मैंने यहां पे लगा दिया है, आप चाहे तो पोलरॉइड फिल्टर भी खरीद सकते हैं, और पोलरॉइड वाला यानी एनडी तो आपको कंपलसरी हो ही जाएगा वीडियो के लिए, प्लस पोलरॉइड फिल्टर भी आप खरीद सकते हैं, तो आपको फोटोग्राफी में और सिनेमेटोग्राफी को और बेहतर बना सके। एनडी फिल्टर लगाने के बाद फोटोग्राफी में कुछ फोटोज आपको जो मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, इस टाइप की आप क्रिएटिव फोटोग्राफी प्री वेडिंग में भी कर सकते हो, और आप अगर लैंडस्केप फोटोग्राफी करते हो, स्ट्रीट फोटोग्राफी करते हो, तो भी आपको एनडी फिल्टर बहुत यूजफुल हो जाता है। तो ये एनडी फिल्टर मैंने इस लेंस पे लगाया, अब इस लेंस पे मुझे निकालना है तो मुझे कुछ नहीं करना है, फिर से इसकी रिंग को हल्का सा यहां घुमाया, ये निकल गया, और अब मैं ये जो दूसरा लेंस है उसका डायमीटर थोड़ा सा डिफरेंट है, यहां पे लगाया, ये देखिए यहां पे भी लग गया, और ये सेफ है, सेफ है, सेफ है, यानी कि लेंस लगाने के बाद भी, एनडी फिल्टर से पकड़ने के बाद भी, और ऐसे अलग अलग लेंस के लिए अब मुझे अलग अलग एनडी फिल्टर खरीदने की जरूरत नहीं है। तो ये एनडी फिल्टर है HNY रिवोरिक वेरिएबल एनडी फिल्टर। तो ये टेक्नोलॉजी एनडी फिल्टर में नया रेवोल्यूशन लेकर आया है। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, आपकी नजदीकी फोटो गुड्स में जाके बोले कि HNY का एनडी फिल्टर हमें देखना है, या हमें परचेस करना है, या हमें चाहिए, मैंने ये वीडियो यहाँ पे देखी थी, या तो हमारा वीडियो ही किसी को भेज दीजिए, और ये वीडियो आपके बहुत सारे फोटोग्राफर दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी पता चले कि एनडी फिल्टर कितना कंपलसरी हो जाता है। तो दोस्तों आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हम आपके लिए ऐसे और वीडियो लेकर आते रहे। बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपसे विदा लेते हैं, बाय बाय, जय श्री कृष्ण, आओ जो